की हाल चाल दोस्तों, आज इंडिया और श्रीलंका का साल 2023 का पहला T20 मैच वानखेड़े क्रिकेट ग्राउंड मुंबई में खेला गया, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। इस मैच की पूरी समरी से पहले आपको बता दें, इंडिया की वही 2022 वाली कहानी रही, जहां ओपनिंग बैट्समैन फ्लॉप रहे और पूरा जिम्मा मिडल ऑर्डर्स पर आ गया। इंडिया की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही, जहाँ पहले ओवर में ईशन किशन ने 16 रन ठोक दिए, जहां दो ओवर तक इंडिया का स्कोर था 26 रन। तीसरे ओवर में महेश तीक्ष्णा ने शुभमन गिल को 7 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। गिल के आउट होने के बाद इंडिया के दो और विकेट्स गिरे, जहां सूर्य कुमार यादव ने बनाए 7 रन 10 गेंदों में, वहीं संजू सैमसन ने बनाए सिर्फ 5 रन। पहले 10 ओवर तक इंडिया का स्कोर था 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इंडिया का चौथा विकेट 77 रनों पर गिरा, जहां अच्छा खेल रहे ईशन किशन ने बनाए 37 रन 29 गेंदों में। अब पूरी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या पर थी, पर पांड्या भी 15वें ओवर में आउट हो गए, जहां हार्दिक पांड्या ने बनाए 29 रन 27 गेंदों में, जहां इंडिया का स्कोर 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 5 ओवर में अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा ने काफी विस्फोटक बैटिंग की, जहां आखिरी 5 ओवर से आए 61 रन, जहां दीपक हुड्डा ने बनाए नाबाद 41 रन 23 गेंदों में, वहीं अक्षर पटेल ने बनाए 31 रन 20 गेंदों में, जहां इंडिया का स्कोर 162 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। 163 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहां श्रीलंका का पहला विकेट 12 रनों पर गिरा, जहां पतुम निशंका ने बनाए सिर्फ 1 रन। श्रीलंका का दूसरा विकेट 24 रनों पर गिरा, जहां शिवम माविन ने धनंजय दे सिल्वा को 8 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इंडिया की लाजवाब बॉलिंग के बाद पावर प्ले तक श्रीलंका का स्कोर था सिर्फ 35 रन। 8वें ओवर में उमरान मलिक ने असलंका को 12 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया, वहीं 9वें ओवर में हर्षल पटेल ने अच्छा खेल रहे कुशाल मेंडिस को 28 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। श्रीलंका का स्कोर 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर।